तो फ्रेंड्स, स्पाइस मनी में ऑनबोर्डिंग से लेकर एक काफ़ी बड़ी अपडेट आई है। अगर आप स्पाइस मनी का डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर स्पाइस मनी में खुद से सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके रिटेलर आईडी देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि मार्च में ही एक अपडेट आई थी, स्पाइस मनी ने एक पॉलिसी लाया था कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो सिर्फ अपने पिन कोड पे ही किसी को रिटेलर बना सकते हैं, या फिर अगर आप खुद से सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके रिटेलर आईडी देना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है आप उस डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में मैप हो जाएंगे जो आपको पिन कोड पे काम कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी तक रजिस्ट्रेशन चालू था। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो किसी को भी अपनी डिस्ट्रीब्यूटर कोड देकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, या फिर कोई रिटेलर खुद से रजिस्ट्रेशन कर रहा था तो किसी का भी कहीं से संपर्क करके डिस्ट्रीब्यूटर को डाल के, या फिर बिना डिस्ट्रीब्यूटर को डाले भी खुद से रजिस्ट्रेशन करके रिटेलर आईडी ले पा रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आने वाला 24 से 48 घंटे बाद ये सारे प्रक्रिया बंद हो जाएगी। इसके अलावा जब आप रजिस्ट्रेशन करते थे तो डिस्ट्रीब्यूटर कोड वहां पर ऑप्शनल था, आपको डालना है तो डाल सकते हैं, या फिर बिना डिस्ट्रीब्यूटर कोड डाले भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। लेकिन अब बिना डिस्ट्रीब्यूटर के अगर कोई सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो नहीं कर पाएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, वो भी अपने एरिया का। तो स्पाइस मनी का जो एप्लीकेशन है पूरी तरह से अपडेट हो चुकी है, और ये जो न्यू वर्जन स्पाइस मनी का एप्लीकेशन है अभी तक प्ले स्टोर में नहीं डाला गया है क्योंकि अभी लॉन्च हुई है, लेकिन हमारे पास आ चुका है। तो मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि क्या चेंजेस हुई है। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो जिसको भी रिटेलर बनाना है उसके पास आपको जाना पड़ेगा, जाना मैंडेटरी हो गया है। बिना उसके पास जाके आप रिटेलर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि रिटेलर द्वारा एक वीडियो बनाई जाती थी जिसमें रिटेलर अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना जगह का नाम बताता था और वो बोलता था कि स्पाइस मनी में मुझे काम करना है। लेकिन यहाँ पर वीडियो बिल्कुल लाइव बनाया जाएगा और वो भी आपके सामने। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो यहाँ पर आप खड़ा होंगे और यहाँ पर रिटेलर खड़ा होगा, लाइव ये सारी डिटेल्स बोलेगा, तब जाके यहाँ पर जो है वीडियो वेरिफिकेशन हो पाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अब आपको वहाँ पे जाना ही पड़ेगा, बिना गए आप किसी को भी रिटेलर नहीं बना पाएंगे और साथ ही साथ अपने पिन कोड पे ही किसी को ऑनबोर्ड कर पाएंगे, अपने पिन कोड से बाहर आप किसी को ऑनबोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये है मेरे पास स्पाइस मनी का न्यू वर्जन वाला एप्लीकेशन। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है, नीचे आप देखेंगे लॉग इन एज डिस्ट्रीब्यूटर एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं और किसी को रिटेलर बनाने के लिए उसके पास जाना नहीं चाहते, आप दुकानदारों के पास नहीं जाना चाहते, तो आप कुछ लड़कों को एम्प्लॉयज के रूप में रख सकते हैं। एम्प्लॉय ऐड करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो जो भी एम्प्लॉय आप रखेंगे वो एम्प्लॉय यहाँ से लॉगिन करेगा, लॉगिन एज डिस्ट्रीब्यूटर एम्प्लॉय, और वो आपका और वो यहाँ पर अपना नंबर डालेगा और इसके बाद यहाँ पर लॉगिन करके वो वेरिफिकेशन कर पाएगा। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो यहाँ से आप लॉगिन करेंगे जहाँ से आप पहले कर रहे थे। तो चाहे खुद से कोई स्पाइस मनी में रिटेलर बनना चाहता है या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर और किसी को रिटेलर बनाना चाहते हैं तो आपको यहीं पे क्लिक करना पड़ेगा ज्वाइन स्पाइस मनी नाउ, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल के और गेट स्टार्टेड का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिनका आप रिटेलर बना रहे हैं उनके नाम से ही मोबाइल नंबर होना चाहिए, साथ ही साथ उनको अपने ही दुकान पर मौजूद होना चाहिए, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और यहाँ पर उनके पास बैंक डिटेल्स भी होना चाहिए। अब जब यहाँ पर रिटेलर के लिए सबमिट हो जाएगा तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो यहाँ से लॉगिन करेंगे और आपका एम्प्लॉय है तो यहाँ से लॉगिन करेगा। अब आपने जितने भी रिटेलर बनाए हैं या फिर खुद से कोई आपके डिस्ट्रीब्यूटर कोड डाल के रिटेलर बना है तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक ऑप्शन आपको मिलता है माय लीड्स का, स्क्रिप्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे सेक्शन बना है, जैसे न्यू लीड्स के अंदर न्यू रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिखेंगे, और पेंडिंग वेरिफिकेशन जिनका वेरिफिकेशन आपने नहीं किया है यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, और यहाँ पे सबमिटेड बाय पार्टनर के द्वारा अगर कुछ सबमिट किया गया है तो यहाँ से आप उसकी लिस्ट देख सकते हैं। हमारे केस में यहाँ पर अभी कोई भी रिटेलर ऑनबोर्ड नहीं हुआ है तो यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, पर जितने भी आप ऑनबोर्ड करेंगे यहाँ पे सबका लिस्ट दिखेगा और सबका आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब रही बात एम्प्लॉय की, अगर आप किसी को एम्प्लॉय बनाना चाहते हैं तो एक ऑप्शन आपको मिलता है एम्प्लॉय, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जितने भी एम्प्लॉय आपने बनाया होगा यहाँ पर दिख जाएगा। अभी हमारे केस में यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, तो न्यू एम्प्लॉय बनाने के लिए यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर आपको डाल देनी है एम्प्लॉय का जिसका आप बनाना चाहते हैं, और इसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल्स डालने के लिए ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे उनका एक फोटो आपको अपलोड करनी है और यहाँ पे एम्प्लॉयज का नाम लिखना है, एम्प्लॉय का ईमेल आईडी लिखना है, इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो भी मांगा जा रहा है यहाँ पर डाल के सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपकी एम्प्लॉय के रूप में ऐड हो जाएगा। अगर आप किसी के दुकान पर नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपने एम्प्लॉय को भी भेज सकते हैं और एम्प्लॉय भी जितने भी आपके रिटेलर बनेंगे उन सबका वेरिफिकेशन कर पाएंगे कि अब जो स्पाइस मनी में रिटेलर बनने या बनाने का जो प्रक्रिया है बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो गया है। अगर आप खुद से भी रिटेलर बनना चाह रहे हैं तो अपने एरिया के ही किसी डिस्ट्रीब्यूटर कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप अपने पिन कोड पे ही किसी को रिटेलर बना पाएंगे। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन वाली बात है, जैसे कई केस में ऐसा होता है कि कोई झारखंड का है और बिहार में जाकर काम कर रहा है या फिर कोई उत्तर प्रदेश का है और बिहार में जाकर काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि यहाँ पर जो उनके आधार कार्ड पे पिन कोड होगा उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि है उत्तर प्रदेश का लेकिन काम कर रहा है बिहार में, तो यहाँ पे बिहार में जहाँ पे काम कर रहा है जिस पिन कोड पे काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग होगा। मतलब कि जहाँ पे काम कर रहा है उस पिन कोड पे जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसके अंडर में वो मैप हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कि बिहार में वो काम कर रहा है तो उसकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी उसकी समस्या आती है तो वो बिहार में ही सोल्यूशन कराएगा, उसके लिए उत्तर प्रदेश नहीं जाएगा। तो मैं टूटी फूटी भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको किसी भी तरह के कोई कन्फ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आई है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहां पे जाके अपनी इंक्वायरी टाइप कर सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा।